घाटे से जूझ रहे राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को राज्य सरकार से संजीवनी मिली है। सरकार ने पिछले तीन दिन में 30-30 करोड़ रुपए की तीन किश्त यानी कुल 90 करोड़ रुपए दिए हैं। इससे कर्मचारियों को एक महीने का वेतन, रिटायर्ड कर्मचारियों को एक महीने की पेंशन और अप्रैल 2022 तक की ग्रेच्युटी का भुगतान हो सकेगा। बता दें कि इसमें करीब 85 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान होगा। इससे पहले दिवाली पर भी सरकार ने रोडवेज को 90 करोड़ की राशि दी थी, जिससे कर्मचारियों को दिवाली पर वेतन और पेंशन मिली थी। गौरतलब है कि रोडवेज में वेतन और पेंशन के लिए पर्याप्त बजट नहीं है, जिसके कारण हर महीने कर्मचारियों को समय पर ना तो वेतन मिल रहा है और ना ही रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन मिल पा रही है। पिछले दिनों कर्मचारियों ने वेतन और पेंशन के समय पर भुगतान करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया। सरकार की ओर से मिली इस राशि से अब अक्टूबर महीने तक का वेतन और पेंशन कर्मचारियों को मिल चुका है। साथ ही अप्रैल 2022 तक रिटायर्ड हुए कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का भुगतान भी किया जा चुका है। ऐसे में अब केवल नवंबर महीने का ही वेतन पेंशन का भुगतान बकाया है।